अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत मजेदार टॉपिक जो आम तौर पर डेली लाइफ में यूज होता है, और वो है फ्रेंड्स 10 to 1 दैट। फ्रेंड्स, अक्सर आप किसी को कहते सुने होंगे 10 to 1 दैट यू विल स्पीक इंग्लिश, 10 to 1 दैट यू विल गो देयर, 10 to 1 दैट यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, 10 to 1 दैट यू विल हेल्प मी। फ्रेंड्स, ये 10 to 1 दैट क्या है? फ्रेंड्स, 10 to 1 दैट मीन्स होता है तय है, यानी हम इसका यूज तब करते हैं जब हमें कहना हो कि किसी काम को होने की इम्कान बहुत ज्यादा है, तय है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे, यानी अभी आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं बट बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप आने वाले दिन में ऐसा करेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे, तय है कि वह मेरी मदद करेगी, यानी अभी तो मेरी मदद नहीं कर रही है बट बहुत ज्यादा चांसेस है या बहुत ज्यादा इम्कान है कि वो ऐसा करेगी। तो फ्रेंड्स, जब हमें ये कहना हो कि किसी काम की होने की इम्कान बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसे जज्बात को कहने के लिए 10 to 1 दैट का यूज करते हैं। आमतौर पर इसका हिंदी तय है कि होता है। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एक जुमला में समझते हैं। तय है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे, तय है कि 10 to 1 दैट। अब आप अंग्रेजी बोलेंगे, आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं आपको पहले भी ट्रांसलेशन का ट्रिक बता चुका हूं कि जो अल्फाज सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर जाएंगे। सबसे पहले लिखा है आप लिखिए यू, पीछे आइए आपको मिलेगा गा। गाजी के लिए हम शैल या विल का यूज करते हैं, आपको ये बात पहले से पता है क्योंकि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। और बोलना को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीक, और अंग्रेजी के लिए लिखेंगे इंग्लिश। तय है कि आप अंग्रेजी बोलेंगे, 10 to 1 दैट यू विल स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो तय है कि आप इम्तिहान में पास होंगे, तो आप कहेंगे 10 to 1 दैट यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, तय है कि वह आपकी मदद करेगी। 10 to 1 दैट सी विल हेल्प यू, तय है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। 10 to 1 दैट आई शैल टीच यू इंग्लिश, तय है कि वह घाटे में रहेगा या तय है वह नुकसान में रहेगा। 10 to 1 दैट ही विल बी इन लॉस, तय है कि आप एक नया मोबाइल खरीदेंगे। 10 to 1 दैट यू विल बाय अ न्यू मोबाइल, तय है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। 10 to 1 दैट यू विल शेयर दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको 10 to 1 दैट का टॉपिक समझ में आया कि जब भी आपको कुछ ऐसे जज्बात कहने हो जहां आप कहना चाहें कि कोई काम होने की बहुत ज्यादा इम्कान है, बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप कहेंगे 10 to 1 दैट। फ्रेंड्स, अगर आप शानदार तरीके से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर आप मेरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हर टॉपिक बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।